सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मानो ये आपके पास एक लाइन है, ओके ओके, यहाँ पे आपने ये वाला, आप यहाँ पर ए ए बार एक पॉइंट है, ओके चलो। सो ये थ्योरम देखना है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, दैट इज द इसका पोजीशन वेक्टर अल्फा बार फ्रॉम द लाइन, लाइन क्या दी है, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, ओके। सो ये वाली लाइन है एक पॉइंट से पास हो रही है, ये इक्वेशन किसका है, एक पॉइंट से पास हो रही है, और दूसरी लाइन उसको क्या होती है, पैरेलल होती है, बी बार इज पैरेलल, आपको याद है ना, ओके। तो अभी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पी, कोई भी एक पॉइंट पी है, यहां पर पॉइंट पी ले लो, इसका डिस्टेंस इस लाइन से कितना है वो निकालना है हमें, ओके। सो इसको ज्वाइन कर दो, मैं इसको नाम देता हूं एम, ओके। इसका पोजीशन वेक्टर कितना दिया है उन्होंने, अल्फा बार। डायग्राम समझ में आ गई, ये एक लाइन थी, ये इसका इक्वेशन है ना, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बार। सो ए बार, ये इक्वेशन कब आता है, जब लाइन एक पॉइंट से पास होती है और एक वेक्टर को पैरेलल होती है, ये आपको पता है, इसका इक्वेशन ये है, इसलिए ये भी लाइन निकाली, ये भी लाइन निकाली। उसके बाद P बार इज अ क्या है, P बार इज अ डिस्टेंस, इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो PM हमने एक पॉइंट यहाँ पे निकाल लिया, सो PM इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, PM इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस निकालने का ये, ओके। सो अगर कोई भी आपको पूछता है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द लाइन, ये वाली लाइन, वो क्या होगा, मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ अल्फा बार माइनस ए बार इन ब्रैकेट अल्फा बार माइनस ए बार इनटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर अंडर रूट में। फार्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रॉब्लम अगर सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला अपने आप लर्न हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार इज लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रू ए ए बार, ओके, एंड पैरेलल टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पैरेलल टू, वो तो इसी का इक्वेशन बना है ना, ओके। सो अब लेट एम बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। एम क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ओके। सो अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, हमें क्या निकालना है, पीएम निकालना है, ओके। सो अगर पीएम निकालना है तो क्या मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ऐसा ये पी और यहां से हमें ट्रायंगल मिल जाएगा ना, ओके। सो पी ए, ऐसा हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा, इससे क्या होगा, हमें क्या मिल रहा अभी, एम अगर निकालना है, सो एम इज इक्वल्स टू, सो देयरफॉर एम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एम बार, एम अगर निकालना है, एम निकालना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एम बार विच इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन पता है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ पीएम ऑन द लाइन आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। प्रोजेक्शन पता है आप लोगों को, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार अगर निकालना होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, सो ए पी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर, ओके। सो दैट इज पी एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर, ओके। सो इसको ऐसे लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम का स्क्वायर, ओके। सो ए पी स्क्वायर, इसको पी बार माइनस ए बार, तो पी बार का पोजिशन वेक्टर क्या है, अल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको ऐसा लिख दोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा बार माइनस ए बार आ जाएगा यहां पर, सो ए बार इसका स्क्वायर, ओके, और ए एम का स्क्वायर, ए एम आपने निकाला है, सो इसका मैग्नीट्यूड निकाला हमने, वो कितना है, यहां पे ऐसा लिख देना मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम बार, ओके।
मैग्नीट्यूड ऑफ AM. सो ये कितना मिला हमें यहां पर AP, दैट इज द AP बार इंटू B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B बार का स्क्वायर. मैग्नीट्यूड ऑफ B बार का क्या करना पड़ेगा यहां पर स्क्वायर करना पड़ेगा. ओके सो इसकी वैल्यू हमने यहां पे पुट कर ली अब. ओके चलो यहां पे लिख देता हूं मैं आपको यहां पे दिख जाएगा. सो यहां पर हमें क्या लाना है ये वाला फॉर्मूला लाना है. सो अभी देख लो PM का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना है तो PM इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ PM इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ अल्फा बार माइनस ए बार का स्क्वायर इंटू AP बार. सो AP बार क्या है जैसा हमने यहां पे किया था दैट इज द अल्फा बार माइनस ए बार इंटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. इसका क्या है स्क्वायर है. इसका क्या है स्क्वायर है तो बस यही फार्मूला हमें लाना था. तो ध्यान में रखना कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है. लाइन का इक्वेशन क्या है ये वाला तो उसका फार्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा बार माइनस ए बार का स्क्वायर इन ब्रैकेट अल्फा बार माइनस ए बार इनटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर. ओके ओके तो ये वाला क्वेश्चन देख लो. फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन आर बार इज इक्वल्स टू 7i प्लस 7j प्लस 6k प्लस लैम्डा माइनस 2j प्लस 2j प्लस 3k. ओके सो इसके पहले हमने इसका फार्मूला डिराइव किया था. क्या था फार्मूला हमारे पास ये था कि अगर ये पॉइंट है आपके पास यहाँ पर P, ओके इसको हमने अल्फा बार दिया था. ओके और यहाँ पर आपकी ये लाइन है आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार. देन इसका फार्मूला होता था पी एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा बार माइनस ए बार का स्क्वायर बीच में माइनस. ओके इन ब्रैकेट अल्फा बार माइनस ए बार इंटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर. यही था फार्मूला. ओके सो यही निकालना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट. ये रहा पॉइंट पी और ये वाली अपनी लाइन रही तो यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा. सो लिख लो क्या लिखना पड़ेगा. वी नो दैट the length of the perpendicular, the length of the perpendicular drawn from the point P, from the point P, इसका position vector alpha bar, okay, the point P to the line r bar is equals to the a bar plus lambda b bar is given by क्या था फार्मूला उसका pm is equals to under root of magnitude of alpha bar minus a bar ka square minus in a bracket alpha bar minus a bar into b bar अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर. ओके इस ब्रैकेट का स्क्वायर है. ओके सो आपको अल्फा बार ढूंढना पड़ेगा ए बार ढूंढना पड़ेगा उसके बाद बी बार भी ढूंढना पड़ेगा. तो ढूंढ लो अल्फा बार क्या है पी बार पॉइंट क्या है हमारे पास 3, 2, 1. सो अल्फा बार इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. ओके उसके बाद ए बार क्या मिलेगा ए बार हमें मिलेगा 7i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप. ओके उसके बाद बी बार क्या मिलेगा हमें ए बार मिल गया बी बार क्या मिलेगा हमारे पास माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ओके सो अल्फा बार निकाल लिया ए बार निकाल लिया बी बार. अभी मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा बार माइनस ए बार निकालना है तो इसलिए हमें अल्फा बार माइनस ए बार निकालना पड़ेगा तभी जाके उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा. ओके सो पहले अल्फा बार माइनस ए बार निकाल लो विच इज इक्वल्स टू अल्फा बार क्या है आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस इन ब्रैकेट ए बार क्या है 7i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप. ओके
which is equals to 3i cap plus 2j cap plus k cap minus 7i cap minus 7j cap minus 6k cap. ओके इतना हो गया. सो 3i माइनस 7j दैट इज द माइनस 4i, सॉरी 3i माइनस 7i दैट इज द माइनस 4i, 2j माइनस 7j दैट इज द माइनस 5j. ओके उसके बाद k माइनस 6k माइनस 5k क्या, ये क्या किसकी वैल्यू आई, अल्फा बार माइनस a बार. बट वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा बार माइनस a बार is equals to under root of minus 4 का square minus 4 का square plus minus 5 का square plus minus 5 का square, क्योंकि a बार दिया होता है a i plus bj plus c k. okay तो हम क्या करते थे, a बार का magnitude निकालना है तो under root of i के coefficient का square, j के coefficient का square, k के coefficient का square, तो उसी प्रकार है ये. तो क्या मिलेगा, under root of 16 plus 25 plus 25, so 25 plus 25 50, 50 plus 16 that is the 66. ये magnitude of alpha bar minus a bar आया, हमें इसका square चाहिए. so magnitude of alpha bar minus a bar का square that is the under root of 66 का square कितना आएगा, 66 आ जाएगा. okay चलो 66 आ गया. तो ये सारी वैल्यू इस फार्मूला में पुट अप कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दिया तो भी चलेगा. ओके ये मिटा दूं अभी, चलो ये मिटा देते हैं. सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा यहां पर हमें, पी एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा बार माइनस ए बार का स्क्वायर दैट इज द 66 माइनस 66 माइनस इन ब्रैकेट अल्फा बार माइनस ए बार, हमने कहीं तो भी निकाला है, ये रहा अल्फा बार माइनस ए बार दैट इज द माइनस 4i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5k कैप. ओके इन अ ब्रैकेट, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या है, बी बार. बी बार क्या है आपके पास, माइनस 2i माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k, माइनस 2i प्लस 2j सॉरी प्लस 3k नॉट 2k 3k. ओके अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, सो ये बी बार रहा आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो i के अंडर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा और इसका क्या है, स्क्वायर है. ओके कैलकुलेशन आपको बड़े केयरफुली करना पड़ेगा. ओके एक भी टर्म अगर गलत हो गई तो पूरा का पूरा एग्जांपल गलत हो सकता है, इसलिए सो 66 माइनस इन अ ब्रैकेट दो, इसका मल्टीप्लिकेशन i इनटू i 1 होता है, i इनटू j 0 होता है. ओके सो माइनस 4 इनटू माइनस 2 दैट इज द 8, माइनस 5 इनटू 2 दैट इज द माइनस का 10. ओके माइनस 5 इनटू 3 दैट इज द माइनस का 15 अपॉन क्या है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 9 इसका स्क्वायर. ओके सो क्या मिलेगा यहां पर, अंडर रूट ऑफ 66 माइनस 8 माइनस 10 दैट इज द माइनस 2, माइनस 2 और माइनस 15 दैट इज द माइनस 17. ओके अपॉन यहां पर कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 ये 13 और 4 17 इसका क्या है, स्क्वायर है. ओके सो अंडर रूट ऑफ 66 माइनस इन अ ब्रैकेट ये माइनस 17 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर आ जाएगा, होल ब्रैकेट का स्क्वायर था. अरे ये प्रॉपर्टी सुनी होगी, देखी भी होगी, बहुत बार अप्लाई भी किए होंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ओके वही किया है, कुछ नहीं किया है. सो विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 66 माइनस अभी माइनस 17 का स्क्वायर. ओके माइनस 17 का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा यहां पर, 17 आ जाएगा अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो. ओके सो यहां पे आपको मिलेगा विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 66 माइनस एक 17 कैंसिल कर दो, सो यहां पे दो है ना, यहां पे दो 17 है, माइनस 17 इनटू माइनस 17 ऐसा है ना, अपॉन 17. ओके सो एक 17 कैंसिल कर दिया तो यहां पे कितना आ जाएगा, 66 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 17, एक कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया,
So 66 minus 17, which is equals to under root of 49, which is equals to 7 unit. Okay, length निकालना था इसलिए 7 units आ जाएगा. Okay, so ये वाला problem यहाँ पे खत्म होता है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में आ सकता है. ओके, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए तभी जाके आप ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करते हो. तो फार्मूला इज मस्ट है कि आपको वो पता होना चाहिए. ओके, सो ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश होता है. चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर स्टॉप करते हैं. ओके ओके, तो ये वाला फार्मूला देखो. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन. ये आपको लाइन दी है, P से इसका डिस्टेंस कितना है ये निकालना है. क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. ये आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट P है. ओके, यहाँ पर M है हमारा और यहाँ पर पॉइंट है 0, 2, 3. ओके, सो M पॉइंट ये रहा. उसके बाद ये लाइन का इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिया है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी. इस फॉर्म में आपको ये इक्वेशन दिया है. ओके, सो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है PM. सो हम यहाँ पे कैसे करेंगे देख लो. लेट m बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन. कहाँ से ड्रॉन कर रहे हो? ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी. ओके, सो अभी ओके, सो इस लाइन पर जो कोई भी कोऑर्डिनेट्स है, अभी हम एम के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे क्योंकि एम के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे तभी तो पीएम डिस्टेंस निकलेगा. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Any point on the line x plus 3 upon 5 equals to y minus 1 upon 2 and z plus 4 upon 3 is equals to lambda. इस लाइन का हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन दिया ना, इस पर एक पॉइंट लिया हमने, इसके अभी हमने कोऑर्डिनेट्स निकालना है. तो कैसे निकालते हो ये देखो, x प्लस 3, इससे क्या मिल जाएगा, x प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू लैम्बडा. ओके, y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू लैम्बडा और z प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू लैम्बडा. ओके, यहाँ पे मिलेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 लैम्बडा. सो x इक्वल्स टू 5 लैम्बडा माइनस 3. ओके, यहाँ पे मिलेगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 लैम्बडा. सो y इक्वल्स टू 2 लैम्बडा प्लस 1. ओके, सो z प्लस 4 इक्वल्स टू 3 लैम्बडा. सो z इक्वल्स टू 3 लैम्बडा माइनस का 4. ओके, 3 लैम्बडा माइनस का 4. सो x, y, z ये तीनों वैल्यू मिल गई. तो हम इसको ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, इसके क्या है, x, y, z ये वैल्यू है. सो लेट m इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 लैम्बडा माइनस 3. y की वैल्यू क्या है, 2 लैम्बडा प्लस 1 और z की वैल्यू क्या है, 3 लैम्बडा माइनस का 4. इट मींस दैट अगर m के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हमें लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ओके, लैम्बडा की वैल्यू जैसे ही मिलेगी हमें m की वैल्यू मिलेगी. जैसे ही हमें m की वैल्यू मिलेगी हम इसका और इसका डिस्टेंस निकालेंगे. डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स आपको निकालना आता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ऐसे करके निकाल लोगे. ओके, सो ये m मिल गया. अभी लैम्बडा की तैयारी करते हैं हम कि लैम्बडा कैसे निकलेगा. ओके, सो दिस इज अ पॉइंट. ओके, उसके बाद डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन PM का डायरेक्शन रेशो कैसे निकालोगे. ये 5 लैम्बडा माइनस का 3 माइनस 0. ओके, उसके बाद 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस का 2. ओके, उसके बाद थ्री लैम्बडा माइनस का 4 माइनस 3. सो ये क्या मिल जाएगा हमें, 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा माइनस 1 और 3 लैम्बडा माइनस का 7. ये आ गया PM, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM. ओके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM. ओके, सो उसके बाद
डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन, जो गिवन लाइन दी थी आपको उसका डायरेक्शन रेशियो आपके पास क्या है, ये रहा 5:2:3, ये ए बी सी, यही तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं हमारे, ओके, सो 5:3। अभी देखो ये जो लाइन है ये पीएम इसको परपेंडिकुलर है, पीएम इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, सो इसके डायरेक्शन रेशियो ये रहे आपके पास, इसके डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के ये रहे, ओके, सो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है उनका, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू जीरो होता है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 A2 दैट इज द 5λ-3 इनटू A2 प्लस ये B1 B2 दैट इज द 2λ-1 इनटू 2 प्लस 3λ-7 इनटू क्या है 3 इक्वल्स टू जीरो, सो 25λ- ये 15 प्लस 4λ- का 2 प्लस 9λ-21 इक्वल्स टू 0, लैम्बडा की वैल्यू निकाल लो, सो 25 प्लस 4 29 प्लस 8 37 ना 37λ और ये -15 -2 दैट इज द -17 -17 और ये -17 और ये कितना है -21, सो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 38 इक्वल्स टू कितना 0, ओके, बराबर किया है क्या हमने, ये 29 और ये यहाँ पे कितना आना चाहिए 38 आना चाहिए, ओके, सो 38λ इक्वल्स टू 38, सो यहाँ पे लैम्बडा इक्वल्स टू कितना मिलेगा 1 मिलेगा, बस लैम्बडा इक्वल्स टू 1 मिल गया तो आपका क्वेश्चन ही फिनिश हो गया, आपको क्या निकालना था इसका लेंथ निकालना था, ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता, ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम इज इक्वल्स टू क्या मिलेगे 5, लैम्बडा की वैल्यू 1 पुट अप कर दो, सो लैम्बडा की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो -3, यहाँ पे 2 × 1 + 1, ओके, और यहाँ पे मिलेगा 3 × 1 - 4, ओके, सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 5 - 3 2 + 1 और 3 - 4, सो यहाँ पे मिलेंगे 2 3 - 1 2 3 - 1। अब हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ गए P और M के, तो आप निकाल लोगे, ओके, सो ये मिटा देता हूं मैं, ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन P and the given line ऐसे भी बोल सकते हो, given line is क्या मिलेगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इज अंडर रूट ऑफ x2 - x1 दैट इज द 2 - 0 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 3 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, सो ये कितना आ गया, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू 4 + 1 + 16, ओके, 4 + 1 + 16, सो विच इज इक्वल्स टू 5 + 16, सो विच इज इक्वल्स टू 21 units, तो ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश होता है, ओके, सो आज के लेक्चर में हमने डिस्टेंस कैसे निकालना है वो देखा था, ओके, और उसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे, अभी एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल मिले हुए वो आपको जाके सॉल्व करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्यू लाइन क्या होती है, दो स्क्यू लाइन के बीच में का डिस्टेंस कैसे निकालने हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।